हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश व्लॉग्स। मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ALP सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि CBT 1 के लिए फुल डिस्क्रिप्शन सिलेबस में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहे और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ फुल कंप्लीट सिलेबस फॉर ALP CBT 1 एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए, उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, तो मुझे सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं जो ALP की एग्ज़ाम होने वाली है फ्यूचर में और उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले CBT जो एग्ज़ाम होगा, जैसे फर्स्ट CBT जो एग्ज़ाम होगा, उसके सिलेबस के बारे में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग देखिए, ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ, एज पर 2018 वैकेंसी जो आई थी उसके एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो आप इस सिलेबस को देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों की जो एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट CBT एग्ज़ाम जो होगी, उसमें आप लोगों का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा आप लोगों का 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे, 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को 1/3 रहेगी। तो आप लोग मतलब जो करेक्ट आप लोग को आंसर लगेगा वही आप अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप लोगों का 3 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेगा फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, मतलब बहुत सारे कैटेगरी जो होते हैं उन लोगों को मिनिमम इतना परसेंट मार्क्स लाने ही होगा, यानी 75 का 40% आपको लाना पड़ेगा। UR के लिए 40% आपको लाना पड़ेगा, OBC के लिए 30%, ST के लिए 30% और ST के लिए 25%। और ये मार्क्स मैंडेटरी है फॉर ऑल कम्युनिटीज़। तो आप लोग को ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाएंगे तभी आप क्वालिफाइड होंगे फर्स्ट CBT एग्ज़ाम। फिर आपका जो स्टेज ऑफ फर्स्ट CBT स्कोर जो होगा, सेल बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज। मतलब आप लोग को जैसे आप जितना स्कोर करेंगे इस एग्ज़ाम में, तो आप लोग को सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ये मार्क्स यूज किया जाएगा, ये मेरिट के लिए आपका मार्क्स वैलिड नहीं रहेगा। इट्स ओनली फॉर क्वालिफाइड एग्ज़ाम रहेगा आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट करेंगे RRB, वो 15 टाइम्स सेलेक्ट करेंगे, मतलब वैकेंसी के 15 टाइम्स। यानी जैसे वैकेंसी अगर आपकी 1000 है, तो 15000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे फॉर सेकेंड स्टेज CBT 2 के लिए। तो अब यही सारा क्राइटेरिया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सिलेबस डिस्कस करूँगा आपसे, तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैथ का कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका सेकंड जो है बोडमास है, बोडमास रूल आप जानते हैं। फिर डेसिमल आपका है, उसके बाद आपका फ्रैक्शन है, उसके बाद आपका LCM एंड HCF है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बहुत ही अच्छा है चैप्टर, फिर परसेंटेज है, उसके बाद आपका मेंसुरेशन है, फिर टाइम एंड वर्क है एंड टाइम एंड डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, ये और भी टॉपिक है, जैसे कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, एलजेब्रा है, एलजेब्रा में सारा आ जाएगा आपका फॉर्मुलेशन वाला। फिर ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पाइप एंड किस्टन है। आप जानते हैं जनरल साइंस के बारे में तो सब जानते ही है। तो सबसे पहले इसमें आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, फिर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना होगा, जो कि 10th लेवल पे रहेंगे, मतलब 10th स्टैंडर्ड लेवल पे रहेंगे। तो आप लोग 10th लेवल पे जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसको प्रिपेयर करिए, ये जनरल साइंस का सिलेबस हो गया। अब फ्रेंड्स, आइए जानते हैं जनरल नॉलेज
सिलेबस जो कि बहुत ही अच्छा है। हिस्ट्री है सबसे पहले, तो हिस्ट्री के बाद आप लोग का ज्योग्राफी है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड लास्ट में मिसलेनियस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब फ्रेंड्स आइए जानते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस जो कि बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आप लोगों को एनालॉजी को प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, उसके बाद आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड देन मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलॉग्स, उसके बाद जंबलिंग है, फिर बेन डायग्राम है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशेंसी है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, उसके बाद लास्ट है स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड अजम्पशन है। ये सारा जो सिलेबस मैंने बताया ये आपका जनरल इंटेलिजेंस का रीजनिंग का सिलेबस है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा और आपके हेल्प में हमेशा करूँगा, और मैं जो भी हो सके मैं आप लोगों का। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं, आइए मतलब जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर सिलेबस के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोग को सबसे पहले उसके मतलब जो भी है नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर स्पोर्ट्स, फिर कल्चर, पर्सनालिटीज़, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, फिर पॉलिटिक्स है, ये सारा कुछ आपको नोट्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेट इज़ राकेश व्लॉग्स, और ये जो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने, तो आप मेरे इस चैनल के जो भी मैं वीडियो डालता हूँ लिंक को कॉपी करके कहीं भी दूसरे ग्रुप या फेसबुक में शेयर करिए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।